नमस्ते, बीकॉम क्लास में आपका स्वागत है। बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, और पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था, उसमें हमने ग्रेजुटी की बात कर चुके हैं और कमिटेड पेंशन की बात कर चुके हैं। दो पॉइंट के बाद अब आज तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, और तीसरा पॉइंट है अर्जित अवकाश वेतन, अर्जित अवकाश का वेतन और लीव सैलरी। ये एक वेतन के स्थान पर मिलने वाला लाभ है जो अपने सर्विस के दौरान भी ले सकता है पैसा एम्प्लॉय, और आपका रिटायरमेंट उसको पैसा मिलता है, यानी इसके दोनों तरीके से ले सकते हैं। अब बात आती है कि यदि सर्विस के दौरान यदि इसे लिया जाता है, सेवा काल के दौरान यदि इसे लिया जाता है, तो ये टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा दोनों तरह के एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ये उस वर्ष जिस वर्ष ये पैसा लिया गया है, ये पैसा। अब ये अर्न लीव होती क्या है इसको समझते हैं। देखिए, किसी कर्मचारी को हर साल कुछ छुट्टियां मिलती हैं, हर साल उसे यानी कि प्रत्येक वर्ष उसे कुछ छुट्टियां मिलेंगी, चाहे वो ऐसी छुट्टियां हैं कि यदि वो मान लो पूरे साल भर 365 दिन में से जो भी उसके सर्विस टाइम होता है उनमें पूरे के पूरे आया, वो संडे को छोड़ते हुए हर दिन आया यानी कि 365 दिन आया, तो उसे वो छुट्टियां क्या उसके पास इकट्ठी हो जाती है, वो छुट्टियां उसके पास ईएल के नाम से कटे अर्न लीव, यानी उसने उनको मतलब छुट्टी ना लेकर के उनकी जगह वो उसको अर्न कर लिया, यानी कि अब क्योंकि पंक्चुअल था, हर काम टाइम पे किया, तो एम्प्लॉयर द्वारा उसे उसका कुछ हर पर डे के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है, यानी वो अगर छुट्टी पर नहीं था तो उसने काम किया तो उसको सैलरी उसकी मिलेगी। तो एक नियम है इसके अंदर कि ये दो तरीके से होता है, और सरकारी एम्प्लॉय इसके लिए तो ये 30 दिन ही होता है। 30 दिन का मतलब ये हुआ कि एक महीना, एक साल में एक महीने की छुट्टी, एक साल में 30 दिन की वो ले सकता है, और प्राइवेट एम्प्लॉय में 30 दिन के अलावा भी कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉय को एक महीने यानी 30 दिन से ज्यादा भी एक साल की छुट्टी देती है, और दिन होते हैं 45 दिन, मतलब कि डेढ़ महीना, यानी कि एक साल यदि वो काम करता है तो उसे अर्न लीव के तौर पर 45 दिन यानी कि लीव छुट्टी मिल सकती है। और यदि वो उन 45 दिन या 30 दिन जो भी है उनमें से आप मान लो 15 दिन उसने छुट्टी ले ली, तो 15 दिन यदि उसके उस साल के बच गए तो वो अर्न लीव कहलाएगी और उस पर पैसा प्राप्त कर सकता है एम्प्लॉयर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 30 दिन की बात होती है और 45 दिन की, दो तरीके से हम यहाँ पर प्रॉब्लम को देखेंगे जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अर्न लीव एक साल में 30 दिन और अर्न लीव एक साल में 45। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 20 साल 10 महीने काम किया, तब हम उसको कितने महीने की छुट्टी उसके अर्न लीव होगी। तो देखिए, एक साल में एक महीना, 20 साल में 20 महीने, और ये जो महीना छुट्टी है कंप्लीट नहीं हुआ एक साल, इसलिए हम केवल 20 महीने की बात करें, यानी कि जो कंप्लीट हो चुके हैं सर्विस, जो भी ईयर कंप्लीट हो चुके हैं केवल उन्हीं के हिसाब से बात करें, तो एक साल में एक महीना को 20 साल में 20 महीने की लीव उसे मिल चुकी है। अब उसने 20 साल में 20 महीने से 10 महीने यदि वो छुट्टी पर रह चुका है 20 साल में, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 महीने, तो ये जो 10 महीने हैं इसका पैसा ये इसे प्राप्त होगा, एम्प्लॉयर द्वारा ये पैसा मिलेगा आपका रिटायरमेंट। तो चाहे उसको बीच में भी ले सकता है, लेकिन हम आपका रिटायरमेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि तब ये पता लगेगा कि हमें टैक्स फ्री पार्ट है कितना, क्योंकि अगर उसने सर्विस के दौरान में लिया है तो वो सारा टैक्सेबल होगा। तो अब उसके वापस से मैं बात कर रहा हूँ, दो पॉइंट होते हैं कि ये है सेवा काल के दौरान अवकाश का वेतन प्राप्त कर सकता है, और सेवा निवृत्ति पर प्राप्त करता है, सेवा काल के दौरान प्राप्त करता है तो टैक्सेबल है, और सेवा निवृत्ति पर प्राप्त करता है
तो इसको हम यहां समझते हैं। देखिए दो तरह के एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट। यदि अब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को प्राप्त होती है तो वो 100% टैक्स फ्री होगी, उस वर्ष में 100% टैक्स फ्री होगी। अब बात आती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉईज के लिए, उनके लिए कुछ नियम हैं और उनमें से हमें चार तरह से कैलकुलेशन करनी है और इन चारों में से जो भी कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। निम्न में से जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री अमाउंट। देखिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें चार बातें याद रखनी है, उसमें पहली बात है कि एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ईएल सैलरी, यानी अर्न लीव सैलरी का एक्चुअल अमाउंट कितना प्राप्त हुआ उसे रिटायरमेंट के बाद, वो हमें देखना है। दूसरा पॉइंट है 10 मंथ एवरेज सैलरी, हमें लास्ट 10 मंथ है इसको मैं लास्ट लिखूंगा, लास्ट 10 मंथ यानी कि जब वो रिटायर हो उससे ठीक पहले के 10 महीने देखने और उन 10 महीने का एवरेज निकालना। लेकिन यहां पर सैलरी का मतलब क्या होगा, तो देखिए ये जो सैलरी है इसका मतलब होगा जिसमें आप बेसिक पे जोड़ेंगे, डीएमएस अलाउंस जोड़ेंगे और यदि उसे कमीशन मिलता है सेल्स पर, लेकिन वो कमीशन उसको परसेंटेज बेस पर मिलता है, यानी कि उसने 10 लाख की सेल करी तो उसको 1% कमीशन मिलेगा, तो वो ही ऐड करेंगे। यदि उसे कमीशन ऑन सेल्स रुपए में मिलता है कि भाई उसे 10 लाख पर 1000 रुपये मिलेगा, 1 लाख 10 लाख पर उसको 10000 रुपये मिलेंगे, तब हम उसे ऐड नहीं करेंगे। कब ऐड करेंगे, जब उसको कमीशन ऑन सेल्स परसेंटेज में दिया होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इफ परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स, यदि मिलता है इस पर परसेंटेज पे तभी ऐड करेंगे। तो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, बेसिक पे डीएमएस अलाउंस और परसेंटेज और किसका कमीशन ऑन सेल्स का। तो उसको जब हम जोड़ लें 10 महीने की सैलरी को अगर हम जोड़ लें और उसको 10 से डिवाइड करते हैं तब हमें निकल के आएगा हमारे पास एवरेज सैलरी। लास्ट 10 मंथ सपोज करते हैं कि कोई दिसंबर में रिटायर हुआ, कि कैपिटल दिसंबर में, तो उसके 10 महीने कौन से होंगे, वो 10 महीने इसके पहले के 10 महीने होंगे, यानी कि दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना, अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, जून का महीना, इस तरह से हम इसको देखेंगे 10 महीने और कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी मंथली एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ की निकल के। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट, सरकार द्वारा कुछ अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि ये तो मैक्सिमम आप ले सकते हो, उससे ज्यादा यदि आपको मिला है तब वो टैक्स फ्री नहीं होगा। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए तक हमारे लिए अर्न लीव सैलरी का पैसा टैक्स फ्री हो सकता है। अब बात करते हैं हम कि भाई ये जो अमाउंट है चौथे पॉइंट में है कि अर्न लीव को 10 महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई करना। देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 साल नौकरी करी, 20 साल 10 महीने नौकरी करी, तो हम 20 साल के हिसाब से बात करेंगे और 20 साल के हिसाब से 20 महीने की उसको अर्न लीव